हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू टॉपिक। आज का जो टॉपिक है वो है मॉनिटरिंग ऑफ सेफ्टी परफॉर्मेंस, है ना। मतलब हम ये इसके बारे में ये बात करेंगे कि हम किसी जगह पर कैसे सेफ्टी परफॉर्मेंस दे सकते हैं, है ना। देखिए, मैंने आपको ये सारी चीज़ें तो बताई थी कि हम सेफ्टी कैसे रख सकते हैं, क्या कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें। हम उसको उसकी मॉनिटरिंग के साथ देखभाल कैसे करें, सेफ्टी परफॉर्मेंस जो दे रहे हैं उसकी मॉनिटरिंग कैसे करें। अब देखिए क्या करना है, हमें अपनी परफॉर्मेंस जो है वो चेक करनी होगी। अब चेक करने के लिए क्या करना होगा, जो चीज़ें हमने इम्प्लीमेंट की हैं उनको चेक करना होगा। क्या उनको करने के बाद एक्सीडेंट लेवल कम हुए कुछ, या एक्सीडेंट्स और बढ़े, ठीक है। तो इसमें स्टैटिक्स ऑफ एक्सीडेंट्स में क्या आएगा, मतलब एक्सीडेंट्स के कारण में क्या आएगा, जैसे कि हम करेंगे क्लासिफाई करेंगे उनको डिवाइड करेंगे एक्सीडेंट्स को, तो क्या होगा, जैसे कि नो इंजरी और नियर मिस, ठीक है। तो नो इंजरी कितनी हुई हमारे इंडस्ट्री में वर्क प्लेस पर, और नियर मिस कितने हुए। फिर फर्स्ट एड केसेस कितने हुए, फर्स्ट एड केसेस जो थे उसमें ये भी देखना होगा कि पर्सन को कितना इंजरी हुआ था, है ना। फिर रिपोर्टेबल एक्सीडेंट्स कितने हुए, जो मतलब जो ज़्यादा मेजर एक्सीडेंट हो जाते हैं, माइनर एक्सीडेंट हो जाते हैं वो। और फिर क्या हम ये देखेंगे, ये भी देखेंगे माइनर एक्सीडेंट्स अप टू 20 डेज़ में कितने थे, और मेजर एक्सीडेंट अप टू 21 डेज़ में कितने थे। और फैटलिटी भी देखेंगे कि हमारे जो लॉस था, लॉस मतलब जो पर्सन्स थे जिनको चोट लगने के कारण वो काम नहीं कर पाए, ये भी चेक करेंगे, ठीक है। तो मॉनिटरिंग ऑफ सेफ्टी परफॉर्मेंस का मतलब ये है कि हमें पूरा ऑल ओवर चेक करना कि हमारे यहाँ होने वाले एक्सीडेंट से क्या क्या प्रॉब्लम हुई, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए ये सारी चीज़ें हैं, इनको हमने मॉनिटर किया। मॉनिटर करने के बाद हम ये देखेंगे कि फिर कहाँ कमी कुछ रह रही है, जिनको अगर हम करते हैं तो हम सेफ रह पाएंगे। सेफ्टी प्रिकॉशंस जो भी हैं उनमें क्या क्या चीज़ें और बची हुई हैं जिनकी वजह से अभी भी सेफ्टी ठीक से नहीं रख पा रहे हैं। तो स्टैटिक्स ऑफ एक्सीडेंट जो है वो ये सारे 3-4 पॉइंट्स आपको बताता है कि आपको ये चीज़ें चेक करनी होंगी। देन आपको पता चलेगा कि आपके यहाँ होने वाले एक्सीडेंट्स कितने हुए, इंजरी कितनी थी, नो इंजरी कितनी थी, नियर मिस कितने थे। नियर मिस का मतलब मैंने आपको समझाया था, नियर मिस मतलब होता है कि कोई चीज़ आपके पास से गुजर गई और आप सलामत रहे, पर एक्सीडेंट एक बड़ा एक्सीडेंट हो सकता था पर बच गए। जैसे कि कोई सामने से गाड़ी आ रही है और आप उससे टकराने से बिल्कुल थोड़ा सा बच गए, बिल्कुल थोड़ा सा वो आपके पास से गुजर गई, तो उसमें एक्सीडेंट तो हो सकता था ना, पर आप बच गए, तो उसे बोलते हैं नियर मिस, नियर मिस हो गया, ठीक है। नो इंजरी यानी कि कोई इंजरी नहीं हुई है। फर्स्ट एड केसेस कितने रहे, ये सारी चीज़ें। फिर वैसे ही क्या होगा, आप ये भी चीज़ें देखेंगे, डेंजरस अकरेंस कितना हुआ वहाँ पे, मतलब हमारे यहाँ खतरे कितने हैं। जैसे कि क्या है, ये एक रूल है, सेंट्रल रूल जिसे बोला जाता है, जो कि उसका नाम है रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड कंडक्ट कंडीशंस ऑफ सर्विस। अब क्या इसमें क्या बोला गया है, इसमें ये बताया गया है, जो रूल है 1998 में फॉलो किया गया था, उसमें ये बोला गया था कि जो भी एम्प्लॉय वर्क कर रहा है उसकी सर्विस कंडीशंस कैसी हैं, क्या वहाँ पे पूरी तरीके से उन्हें सेफ्टी दी जा रही है। क्योंकि पहले क्या होता था, सेफ्टी पर ध्यान नहीं रखा जाता था और एक्सीडेंट्स बहुत सारे, काफ़ी सारे सामने आते थे। तो अब ये रूल निकला जब 1998 में, तो उसमें ये बोला गया कि कंडीशन और सर्विस कैसी है वहाँ पे, एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या वो जगह आपके लिए सेफ है। तो जब भी कोई इंडस्ट्री होती है उसको अपने एम्प्लॉयज़ को पूरी तरीके से सेफ्टी तो देनी ही होती है, और एक्सीडेंट से बचने के लिए उसको कहीं ना कहीं पर ये सारी चीज़ें प्रमोट करनी होती हैं, इम्प्लीमेंट करने होते हैं, ताकि एक्सीडेंट लेवल कम हो। अगर एक्सीडेंट लेवल ज़्यादा हो रहे हैं तो उस वर्क प्लेस को तो नुकसान है ही, साथ ही वहाँ वर्कर्स को, क्योंकि अगर इंस्पेक्शन होता है तो इंडस्ट्री सील आउट होती है, इंडस्ट्री सील आउट होती है तो वर्कर्स को भी प्रॉब्लम आएगी, प्रोडक्शन रुक जाएगा, सारी चीज़ों में लॉस होगा, है ना। तो यही सारी चीज़ें इसमें बताई गई है। तो सेफ्टी परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग की कुछ एक्टिविटीज़ ये भी हैं कि आपको एम्प्लॉय सेफ्टी रिपोर्टिंग लेनी होगी कि कैसे एम्प्लॉय सेफ रह रहे हैं या नहीं, सर्विस डिलीवरीज कैसी हो रही हैं, सेफ्टी डेटा शीट मेंटेन करें, एक्सीडेंट्स जो भी हैं, इंसिडेंट्स जो भी हैं उनकी रिपोर्टिंग और इन्वेस्टिगेशन हो कि कोई एक्सीडेंट हुआ था तो उसका रीज़न क्या था, इंसिडेंट हुआ था तो उसका रीज़न क्या था, किस किस तरीके से नियर मिस हुए थे, कैसे फर्स्ट एड जो भी इंजरी हुई है, केसेस हुए हैं वो कैसे हुए हैं, ठीक है। व्हीकल मेंटेनेंस, देखिए व्हीकल से भी बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि आपके इंडस्ट्री में वर्क करने वाले जो फॉर्कलिफ्ट है,
या क्रेन्स हैं या और भी व्हीकल्स हैं जो बाहर से अंदर तक सामान लेके आती हैं, उनका मेंटेनेंस भी बहुत ज़रूरी है, उनके इंस्पेक्शन भी बहुत ज़रूरी है, रिपेयरिंग भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। रेल कोड्स भी सेफ रहने चाहिए, क्योंकि जैसे कोई हाइट पे वर्क कर रहा है या कोई टैंकर है, स्टोर है, अगर उस पे जा रहा है तो सारी चीज़ें आपको सेफ्टी मेंटेन, मतलब हर एक जगह पे देखना होगा। एक सेफ्टी इंजीनियर की एक ऐसी नज़र होनी चाहिए कि हर एक जगह वो एक्सीडेंट्स को ऑब्जर्व कर सके, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, उसकी डेटा शीट मेंटेन होना बहुत ज़रूरी है, तभी हम जान पाएंगे कि यहाँ कितने एक्सीडेंट्स थे, ठीक है। तो ये सेफ्टी परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग एक्टिविटीज़ जो हैं वो इसीलिए की जाती हैं कि जो भी हम परफॉर्म कर रहे हैं सेफ्टी के लिए, क्या वो बेनिफिशियल हो रही हैं, क्या उनसे होने वाले एक्सीडेंट्स रुक रहे हैं। तो ये जो टॉपिक जो है वो एक इंडस्ट्रियल सेफ्टी से, और इसको इंडस्ट्रियल सेफ्टी के लिए तो है ही, पर हम और भी जगह पर इसे अप्लाई करके देख सकते हैं, क्योंकि मॉनिटरिंग ऑफ सेफ्टी परफॉर्मेंस जो है वो हर जगह हमें देखना होगा। ऐसा नहीं है कि इंडस्ट्री है तो सिर्फ इंडस्ट्री के लिए ही, इंडस्ट्रियल सेफ्टी का सब्जेक्ट जो है वो इंडस्ट्रियल सेफ्टी का ही है, ये टॉपिक जो है वो इंडस्ट्रियल सेफ्टी का है, पर इसमें जो चीज़ें हैं वो हमारे हर वर्क प्लेस पर लागू होती है, क्योंकि सेफ्टी तो सभी जगह रखनी है ना, ऐसा तो नहीं इंडस्ट्री में ही सेफ्टी रखनी है सिर्फ, हमें हर जगह वर्क करने वाले इंसान को हर वर्क प्लेस पर सेफ्टी मेंटेन करके चलना है। तो सेफ्टी तभी मेंटेन होगी जो हमने रूल्स निकाले हैं, जब तक हम उन्हें चेक नहीं करेंगे क्या ये वर्क कर रहे हैं या नहीं, तब तक हम श्योरिटी नहीं दे पाएंगे कि हाँ यहाँ पर काम करने वाला हर एक वर्कर सेफ है, ठीक है। तो ये मैंने आज आपको मॉनिटरिंग ऑफ सेफ्टी परफॉर्मेंस का एक टॉपिक बताया जो कि इंडस्ट्रियल सेफ्टी से था। इंडस्ट्री सेफ्टी जो है वो इंडस्ट्रियल सेफ्टी में क्या रहता है कि इंडस्ट्रीज़ के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें बताई जाती हैं, पर वो और भी जगह की काम की चीज़ें रहती हैं। इंडस्ट्री में कुछ कुछ चीज़ें डिफरेंट होती हैं, जैसे प्रोडक्शन साइट पर जो जो मटेरियल यूज़ हो रहा है उन सब के रिगार्डिंग जो भी हज़ार्ड्स वगैरह डिफरेंट रहते हैं, हर एक प्लेस का वर्क प्लेस का डिफरेंट डिफरेंट हज़ार्ड्स रहते हैं, पर सेफ्टी प्रिकॉशंस जो है वो हम उसे ऑब्जर्व करके ही रख पाएंगे। तो जो बाकी जो स्टेप्स जैसे मॉनिटरिंग हो गया, प्रिकॉशंस चेकिंग हो गया, ये सारे स्टेप्स जो है वो सिमिलर है, JSA वगैरह है ना। तो ये मैंने आपको सेफ्टी परफॉर्मेंस के बारे में बताया आज। सो थैंक यू।